हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो देश अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो अपने कल्चर, संस्कृति और लोगों की वजह से। ये देश हर मामले में खास है। एक ऐसा देश जहाँ किसी भी गली का नाम नहीं है और यहाँ रास्ता दुकानों के आधार पर याद रखा जाता है। इस देश को लैंड ऑफ वोल्केनोस भी कहा जाता है। बेसबॉल इस देश का सबसे पॉपुलर खेल है। स्पाइडर मंकीज की प्रजाति भी यहीं पाई जाती है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां का पानी साल के 365 दिन गर्म रहता है। जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निकारागुआ देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत निकारागुआ की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ, जो कि मिडिल अमेरिका में स्थित है। निकारागुआ की सीमाएं पश्चिम में प्रशांत महासागर से, पूर्व में कैरेबियन सागर से, उत्तर में होंडुरास से और दक्षिण में कोस्टा रिका से मिली हुई है। देश की पॉपुलेशन 66 लाख है और पॉपुलेशन के लिहाज से देश दुनिया का 110वां सबसे बड़ा देश है। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है और यहाँ लगभग 1/4 निकारागुआन रहते हैं। मनागुआ को इस देश का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। निकारागुआ का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, लेकिन यहाँ स्पेनिश भाषा को भी अलग तरह से बोली जाती है, जिससे कुछ शब्द दूसरे देशों में बोले जाने वाली स्पेनिश भाषा से थोड़े अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जो मॉस्किटो, रामा और सुमो जैसी लोकल लैंग्वेज बोलती हैं। निकारागुआ की राजधानी शहर मनागुआ सबसे बड़ा शहर होने के अलावा इस अमेरिका के सबसे गर्म राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ये शहर सी लेवल से केवल 50 मीटर ही ऊपर है। देश का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा मनागुआ की अपनी अलग खासियत है। मनागुआ सिटी अपनी मांस, फर्नीचर और मेटल की छोटी उत्पादन के लिए पूरे अमेरिका में पॉपुलर है। भले ही एरिया के हिसाब से निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि निकारागुआ अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है। जी हाँ, ये देश अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश है। यहाँ लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए कोस्टा रिका और पनामा जाना पड़ता है। हालांकि टूरिज्म ने पिछले कुछ सालों में इस देश की इकोनॉमी को काफी सहारा दिया। पिछले कुछ सालों में लगातार निकारागुआ का टूरिज्म सेक्टर लगातार 10% तक बढ़ा है। निकारागुआ के लोग काफी मिलनसार होते हैं। मेहमान नवाजी के मामले में तो यहाँ के लोगों का कोई जवाब ही नहीं है। इस देश में जाने के बाद हर कोई अपना लगता है। यही कारण है कि निकारागुआ को टूरिस्ट काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ छोटे अपराधों को छोड़ दे तो कोई ज्यादा बड़ा क्राइम देखने को नहीं मिलता। आज निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। अगर बात करें निकारागुआ देश के इतिहास के बारे में तो ये थोड़ा अलग है। भले ही निकारागुआ आज आजाद देश हो, लेकिन आज भी इस देश को तानाशाही और कब्जे जैसी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। निकारागुआ देश अपना इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 दिसंबर को मनाता है। 1821 में इसी दिन ये देश स्पेन से आजाद हुआ था। निकारागुआ देश हमेशा पॉलिटिकली काफी दबाव में रहा है, लेकिन 21वीं सदी में ये देश राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया था। वियोलेटा चमोरो निकारागुआ की पॉलिटिशियन थी, जिन्होंने 25 अप्रैल 1990 से जनवरी 10, 1997 तक इस देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। वियोलेटा चमोरो को कॉन्ट्रा वर खत्म करने का क्रेडिट दिया जाता है। 25 फरवरी 1990 को पहली बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद वियोलेटा चमोरो पूरे अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि निकारागुआ नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। निकाराओ नाम के कुछ स्वदेशी लोगों का एक समूह उस क्षेत्र में रह रहा था जब स्पेनिश आए थे, और उपनिवेशवादियों ने देश का नाम बनाने के लिए इस शब्द को स्पेनिश शब्द के साथ जोड़ दिया था। निकारागुआ देश का नाम भले ही आप लोगों ने पहले शायद ही ज्यादा सुना हो, लेकिन जितना अलग इस देश का नाम है, उतनी ही अलग इसकी खासियत भी है। निकारागुआ देश अपने कल्चर, प्राकृतिक सुंदरता और अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश को लैंड ऑफ लैक्स एंड वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। निकारागुआ का नाम सेंट्रल अमेरिका के उन 7 देशों के लिस्ट में शामिल है जो अपने सबसे बड़े कोस्टल एरियाज और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। निकारागुआ देश में रहने वाले लगभग आधे लोग 15 साल की उम्र से भी कम है, जबकि सिर्फ 1/4 आबादी 30 से ज्यादा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई हैं और इसी धर्म को मानते हैं। निकारागुआ के कॉन्स्टिट्यूशन ने 1939 से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने निकारागुआन समाज में अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी है। दोस्तों, इस देश के स्थानीय लोग खुद को निक्स कहते हैं, लेकिन ज्यादातर बाहरी लोग यहाँ रहने वाले लोगों को निकारागुआन ही कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निकारागुआ में खोना सबसे आसान होता है।
सुनने में ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। निकारागुआ में बाहर से आए लोगों को तो छोड़िए, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग ही रास्ता भूल जाते हैं। दरअसल निकारागुआन कस्बों और शहरों में सड़कों के नाम नहीं है, इसके अलावा यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। यहाँ लोग लोकल मार्केट्स के आधार पर ही रास्तों का पता लगा पाते हैं। इस देश में रास्तों के नाम भी नहीं है, हालांकि इसके पीछे का क्या कारण है ये कोई नहीं जानता। निकारागुआ का सबसे पॉपुलर गेम है बेसबॉल। यहाँ के लोगों के बीच बेसबॉल का ऐसा क्रेज है जैसा भारत में क्रिकेट का। यहाँ इतने लोग रही हैं जितनी बेसबॉल की पिचेस हैं। इसके अलावा निकारागुआ में फुटबॉल भी काफी पसंदीदा खेल है। हालांकि निकारागुआ की फुटबॉल टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। बेसबॉल और फुटबॉल के अलावा निकारागुआ में बॉक्सिंग और स्विमिंग भी काफी पॉपुलर स्पोर्ट्स में माना जाता है। निकारागुआ का खाने के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ लोग खाने के काफी शौकीन हैं। इस देश के कई ऐसे टेस्टी फूड हैं जिनकी चर्चा पूरे अमेरिका में होती रहती है। निकारागुआ का नेशनल डिश है गैलो पिंटो। इस डिश को फ्राइड राइस के साथ बनाया जाता है। बीन्स और मसालों के साथ बनी ये डिश निकारागुआ के लोगों की सबसे पसंदीदा डिश मानी जाती है। गैलो पिंटो के अलावा कॉर्न निकारागुआ के लोगों के खाने का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना कॉर्न के यहाँ के लोग खाने को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। साथ ही यहाँ कॉफी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने स्पाइडर यानी मकड़ी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन स्पाइडर मंकी के बारे में शायद ही कभी सुना हो। स्पाइडर मंकी बंदरों की एक अनोखी प्रजाति है जो सिर्फ कुछ ही देशों में पाई जाती है, और निकारागुआ उन देशों में से एक है। बंदरों की ये प्रजाति सामान्य बंदरों से सबसे अलग होती है। इनके पैर काफी लंबे होते हैं, जबकि इनकी पूंछ में एक ग्रिप होती है जो इन्हें दीवारों पर चढ़ने में मदद करती है। इन बंदरों के अलावा निकारागुआ के जंगलों में जैगुआर भी काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी लेक निकारागुआ में ही है, जिसे स्पेनिश में मार डुल्सी या स्वीट सी कहा जाता है। इसकी लंबाई कुल 8,264 किलोमीटर है। इसे सेंट्रल अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी मान लिया जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। इसके अलावा दुनिया में एकमात्र मीठे पानी की शार्क निकारागुआ झील में रहती है। इन शार्क्स को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर निकारागुआ के लोग और यहाँ ये शार्क पाई जाती है, वहाँ लोग इसे बुल शार्क के नाम से बुलाते हैं। अब बात करें यहाँ के कल्चर और संस्कृति की, तो निकारागुआ की संस्कृति और कल्चर इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। आज भी यहाँ सालों पुरानी परंपरा जिंदा है। यहाँ के लोग अलग तरह से रहते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं और पुरानी धार्मिक परंपराओं के साथ जीते हैं। वैसे तो निकारागुआ के लोग आम लोगों की तरह ही कपड़े पहने नजर आते हैं, लेकिन इस देश की खुद की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे यहाँ के लोग शौक के साथ पहनते हैं। महिलाओं की ड्रेस में लंबी ढीली सूती स्कर्ट और ब्लाउज शामिल है, जिन पर अक्सर चमकीले रंगों की कढ़ाई की जाती है। यहाँ ये ड्रेस शॉल, गहने और बालों में एक फूल के साथ पहनी जाती है, जबकि यहाँ के पुरुष आमतौर पर नीली या सफेद सूती पैंट, एक सफेद शर्ट, एक लाल दुपट्टा और एक टोपी पहने नजर आते हैं। हर देश के अपने अनोखे त्योहार होते हैं, और निकारागुआ भी इससे कुछ अलग नहीं है। ला जुडिया यहाँ के कुछ अहम त्योहारों में से एक है। इस फेस्टिवल की शुरुआत जीसस के आखिरी दिनों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो ये फेस्टिवल पूरे निकारागुआ में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मासाटैप में ये त्योहार देखने का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ एक परंपरा के तहत जीसस को जंजीरों के साथ बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। निकारागुआ दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ का पानी साल के 365 दिन 27 डिग्री के तापमान के साथ गर्म ही रहता है। दरअसल निकारागुआ में मौसम दो तरह का होता है। मई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है, जबकि बाकी दिन यहाँ सूखा रहता है। हालांकि यहाँ के लोगों को बारिश का मौसम सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ फसल सबसे ज्यादा बेहतर होती है। निकारागुआ की इकॉनमी कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर है, और यहाँ लोग खेती सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसे में बारिश का मौसम इस देश के लोगों को पसंद भी क्यों ना हो। अगर आपको ज्वालामुखी देखने का शौक है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि निकारागुआ में 26 ज्वालामुखी है, और ये सभी ज्वालामुखी एक्टिव है। सेरो निग्रो ज्वालामुखी, मोम्बाचो ज्वालामुखी, मसाया ज्वालामुखी, सैन क्रिस्टोबल ज्वालामुखी सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। सेरो निग्रो ज्वालामुखी इतना अनोखा है कि इस ज्वालामुखी को देखने दूर देशों से लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। हालांकि ये ज्वालामुखी इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी बने रहते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ज्वालामुखी एक्टिव है, यानी इनका फूटना आम बात है। इन ज्वालामुखी के फटने की वजह से निकारागुआ में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। भूकंप के अलावा निकारागुआ में तूफान आना भी आम बात है। 1972 में निकारागुआ के इतिहास का सबसे तेज भूकंप आया था, जिसमें 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि इस तूफान ने यहाँ के 90% हिस्से को खत्म कर दिया था। वैसे तो दोस्तों, निकारागुआ कई चीजों के उत्पादन के लिए
लिए जाना जाता है, लेकिन 2018 में इस देश ने गन्ने के उत्पादन में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। उस साल निकारागुआ ने 7 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन किया था। गन्ने के अलावा हर साल देश में मक्की, चावल, पाम तेल, केला, बीन्स, मूंगफली, कॉफी और संतरे का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और निकारागुआ में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको निकारागुआ घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 10 से 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे। निकारागुआ की करेंसी है निकारागुआन कॉर्डोबा, जिसकी वैल्यू लगभग 2.16 भारतीय रुपीज है। तो दोस्तों ये था निकारागुआ, कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।